एक सिरफरे ने मंगलवार को खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। एक तरफा प्रेम में घर में घुसकर किशोरी को जिंदा जला दिया, इसके बाद भाग निकला। किशोरी ने सफाई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि पूरा मामला ये हम आपको जनपद मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा बता रहे हैं, जिसमें एक मोहल्ला निवासी किशोर दोपहर को अपने घर में था। उसकी किशोरी जो है वो अपने घर में थी, उसका छोटा भाई भी था। तभी पड़ोस का रहने वाला अंकित पुत्र राजवीर घर में घुसा। किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हुई, उसके बाद अंकित ने किशोरी पर डीजल उड़ेल दिया और आग लगा दी और फरार हो गया। फिलहाल आपको बता दें कि अस्पताल ले जाया गया किशोरी को, जहां उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के नगला पजावा गांव की एक लड़की को जली हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सफाई अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है। लड़की के पिता की तरफ से एक पड़ोसी सजाती लड़के पर छेड़छाड़ एवं हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।